60 से 80 के दशक में क्या नैरेटिव होता था, कांग्रेस के ही सत्ता साथी कांग्रेस के साथ रहकर के सुख भोगने वाले लोग, ये वही लोग पंडित नेहरू जी की सरकार को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे, ये तो टाटा बिरला की सरकार है, इस सरकार को तो टाटा बिरला चला रहे हैं। 60 से 80 दशक तक यही बातें बोली जाती थी, नेहरू जी के लिए बोली जाती थी, इंदिरा जी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भागीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी ले ली, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो। मैं देख रहा हूं आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो। हां, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है। मुझे विश्वास है यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, बाहर तो बोलते ही थे, जहां मौका मिले चुप नहीं रहते थे। वो कहते हैं मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है, बताओ इसमें आनंद आ रहा है? कोई ऐसा हिंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता? अरे भाई आपको तकलीफ होगी, हम आकर के करेंगे, ठीक है ऐसा बोलो। देश को क्यों गाली देते हो जी, देश के खिलाफ क्यों बोलते हो? मेक इन इंडिया हो नहीं सकता है, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया। और आज देश की युवा शक्ति ने, देश के एंटरप्रेन्योर ने करके दिखाया है, आप मजाक के विषय बन गए हो। और मेक इन इंडिया की सफलता आप लोगों को कितना दर्द दे रही है ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकलीफ इस बात के लिए है क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है कमीशन के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है भ्रष्टाचार के रास्ते बंद, मेक इन इंडिया का मतलब है तिजोरी भरने के रास्ते बंद, और इसलिए मेक इन इंडिया का ही विरोध करो। भारत के लोगों के सामर्थ्य को नजरअंदाज करने का पाप, देश के लघु उद्यमियों के सामर्थ्य का अपमान, देश के युवाओं का अपमान, देश की इनोवेटिव क्षमता का अपमान, माननीय अध्यक्ष जी, देश में इस प्रकार का नकारात्मकता का, निराशा का वातावरण, खुद निराश हैं, खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाफ देश का नौजवान बहुत जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, पहले जो सरकार चलाते थे, जो जिन्होंने 50 साल तक देश की सरकारें चलाई, मेक इन इंडिया को लेकर उनका क्या रवैया था? सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखें तो सारी बातें समझ आती थी, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, क्यों करते थे, किसके लिए करते थे। पहले सालों में क्या होता था, नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए प्रोसेस चलती थी, सालों तक चलती थी, और जब फाइनल निर्णय होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी। अब बताइए देश का क्या भला, आउट ऑफ डेट हो जाती थी और हम पैसे देते थे। हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, सालों से पेंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निपटाने का प्रयास किया। पहले किसी भी आधुनिक प्लेटफॉर्म या इक्विपमेंट के लिए हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता था, जरूरत के समय आपाधापी में आयुध खरीदा जाता था, ये लाओ वो लाओ, कौन पूछता है भाई, हो जाए। यहां तक कि स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहे हैं, दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरक्षा निश्चित नहीं कर सकते।
हमारे पास यूनिक व्यवस्था होनी चाहिए, हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना ये राष्ट्र सेवा का भी एक बहुत बड़ा काम है, और जो मैं देश के नौजवानों को भी आह्वान करता हूं कि आप अपने कैरियर में इस क्षेत्र को चुनिए, हम ताकत के साथ खड़े होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरण भारत में ही बनाएंगे, भारतीय कंपनियों से ही खरीदेंगे, ये बजट में प्रावधान किया है। बाहर से लाने के रास्तों बंद करने की दिशा में हम कदम बढ़ाए हैं। हमारी सेनाओं की जरूरत पूरी होने के अलावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं, और मुझे विश्वास है ये संकल्प भी पूरा होगा। मैं जानता हूं कि रक्षा सौदों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीद लेती थी, ऐसी ताकतों को मोदी ने चुनौती दी, और इसलिए मोदी पर उनकी नाराजगी नहीं, गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है, और उनका गुस्सा प्रकट भी होता रहता है।